आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर आतंकी को पता है कि धमाका किया तो ये मोदी है, पाताल से ढूंढकर सजा देगा। अदालत के नाम पर झूठ बोले थे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, चौकीदार के मसले पर किया खेद व्यक्त। साध्वी प्रज्ञा के बचाव में आए अमित शाह, कहा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को झूठे केस में फंसाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का अनुमान, कांग्रेस को नहीं मिलेगा बहुमत, चुनाव बाद गठबंधन करना होगा। और कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी बिजली, दिग्विजय सिंह की चेतावनी, अब नहीं चलेगा, कांग्रेस आई और बिजली गई। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव सभा में कहा कि आज कोई भी भारत पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचता है। मैं अपने भाषण में देश की सुरक्षा और विकास की बात करता हूं, लेकिन कुछ लोगों को करंट लगता है, दो चरण के बाद ही कुछ लोग गाली गलौज पर उतर आए हैं। नासिक के ढिंडोरी की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो हर कोई पूछता था कि मोदी को विदेश नीति का कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हम ना आँख दिखा कर बात करेंगे, ना झुका कर बात करेंगे, हम सिर्फ आँख में आँख मिला कर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में कल जब लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे थे तब नर राक्षसों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 2014 से पहले भारत की स्थिति भी ऐसी ही थी, देश के कई हिस्सों में लगातार बम धमाके होते थे। पीएम ने कहा कि जब पहले हमला होता था तो सिर्फ श्रद्धांजलि सभा होती थी, लेकिन चौकीदार ने इसे बदल दिया और आतंकी फैक्ट्री में घुसकर सब सफा चट कर दिया। आज आतंक सिर्फ कश्मीर के कुछ क्षेत्र में सिकुड़ गया है, वो भी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश में धमाका किया तो ये मोदी है, पाताल से ढूंढ कर भी सजा देगा और उनके आकाओं को भी खत्म करेगा। का बीपी तेज हो गया होगा, वो बौखलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने तो देश की सुरक्षा, वंशवाद, भ्रष्टाचार, उन बातों को लेता हूं और दूसरी तरफ विकास की चर्चा करता हूं, लेकिन कुछ लोगों को जैसे ही मैं वंशवाद बोलता हूं, भ्रष्टाचार बोलता हूं, देश की सुरक्षा की बात करता हूं, तो मैं बोलता यहां हूं और उनको बिजली का करंट वहां लगता है। उन्होंने कहा कि हम तेज गति से गांव-गांव में सड़कें बना रहे हैं और हर घर को रोशन करने के लिए मुफ्त बिजली दे रहे हैं। एक तरफ हमने गरीबों के बैंक खाते खुलवाए, वहीं बैंक के दरवाजे गरीबों किसानों के लिए खोल दिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर खेद व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में ऐसा बयान दिया था जिसके लिए उन्हें खेद है। राहुल ने राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने पर यह नोटिस जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अवमानना नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है, मेरी ओर से यह बयान चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में दिया गया था। राहुल गांधी ने इस मामले में अंडरटेकिंग देते हुए कहा कि आगे से मैं पब्लिक में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक कि कोर्ट में ऐसी बात रिकॉर्ड में ना कही गई हो। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को विरोधियों ने गलत तरीके से पेश किया है। बीते 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने माना कि हमने ये बयान कभी नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि जो भी विचार कोर्ट को लेकर मीडिया में कहे गए हैं वह पूरी तरह से गलत हैं। इसी मामले की पूरी जानकारी को लेकर हम सफाई मांगना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बयान पर अपनी सफाई देंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को झूठे केस में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू टेरर के नाम से एक फर्जी केस बनाया गया था, दुनिया में देश की संस्कृति को इससे बदनाम किया गया, जब यह केस कोर्ट में चला तो इसे फर्जी पाया गया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को झूठे केस में फंसाया गया। सवाल यह है कि स्वामी असीमानंद जी और बाकी लोगों को आरोपी बनाकर फर्जी केस बनाया गया था, तो समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करने वाले लोग कहाँ हैं? जो लोग पहले पकड़े गए थे उन्हें क्यों छोड़ा गया? शाह ने कहा कि बाटला हाउस का जब एनकाउंटर हुआ आतंकवादियों के मरने पर सोनिया जी को रोना आ गया, जबकि अपना एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर वहां शहीद हो गया, उसकी मृत्यु पर रोना नहीं आया। इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। बड़े लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। हंसी खुशियन में, हंसी खुशियन में जीएसटी लगाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। काले धन के 15 लाख खातों में ना आई रात, झूठी हो गई तुम्हारी बात। लड़का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाकी सरकार, बताओ तुमने बनता धार। अब निवाला किसानन का खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। बड़े लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अच्छे दिन के तीर से लेकर जुमलों के हथियार चलेंगे, गली गली के चोर भी भैया खुद को चौकीदार कहेंगे। जनता पर है बढ़ता देखो तरह तरह का शुल्क, अरे जुमलों वाली बातें सारी बिल्कुल है निशुल्क, बिल्कुल है निशुल्क, हाँ बिल्कुल है निशुल्क। माहौल गर्म है चुनाव का, हिसाब लेंगे हर घाव का, लहर के कहर ने घोला था जहर, अब वक्त है बदलाव का। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने त्रिशंकु लोकसभा का अनुमान व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बहुत अच्छा करेगी, लेकिन बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, इसीलिए दिल्ली में नई सरकार बनाने के लिए चुनाव बाद गठबंधन करना होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिलेगी और कोई भी बड़ी पार्टी उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी। एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा लोकसभा चुनाव में हम बहुत बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन मैं बहुमत तक पहुंचता नहीं देखता हूं और चुनाव बाद गठबंधन करना होगा। इस गठबंधन के विभिन्न प्रकार के संयोजन होंगे। उन्होंने कहा आज दो तरह के दल दिख रहे हैं, एक भाजपा विरोधी और दूसरा भाजपा समर्थक। भाजपा समर्थकों की संख्या बहुत कम है, भाजपा के विरोध में आप इतनी सारी पार्टियां देख रहे हैं। उन्होंने कहा संख्या चाहे जो भी हो, भाजपा यह सोच रही है कि वह सरकार बनाने में सक्षम होगी, लेकिन यह बहुत दूर है क्योंकि ना तो उनके पास संख्या होगी और ना ही अन्य पार्टियां उनके साथ जाएंगी। अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय दिल्ली में बिताने वाले कमलनाथ ने कहा कि वह मध्य प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध हैं और ऐतिहासिक विकास सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा मैं 5 साल तक मध्य प्रदेश में रहने को प्रतिबद्ध हूं और केंद्र की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं। मध्य प्रदेश में कहावत है कि कांग्रेस आई और बिजली गुल,
एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते ही बिजली की अघोषित कटौती शुरू हो गई। ऐसे में भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को मंच से बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से बिजली की समस्या फिर बढ़ गई है। बिजली की लुका छुपी का असर लोकसभा चुनाव पर ना पड़े, इसके लिए जहां अघोषित कटौती हो रही है, वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दंडित किया जा रहा है। इस बीच भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के चेहरे पर बिजली का खौफ साफ नजर आ रहा है। उन्हें अपनी सभाओं में कहना पड़ रहा है कि बिजली कंपनी में बीजेपी के लोग बैठे हैं और यह जानबूझकर बिजली काट कर कहते हैं कांग्रेस आई और बिजली गई। बिजली के कारखाने लगाए थे, बिजली खूब आने लगी, लेकिन जो भाजपा के कुछ लोग विद्युत मंडल में हैं, बिजली घरों में हैं, वो खुद ही बिजली बंद कर देते हैं और कहते हैं देखो कांग्रेस आई और बिजली गई। 15 साल से जो मुफ्त की खा रहे हैं वो लोग इसके अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपनी सभा में बिजली कंपनी के लोगों से कहते हैं कि मानसिकता बदलो, ये बिजली गुल करने का खेल करना बंद करो, नहीं तो कार्यवाही होगी। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले तेज गर्मी और आंधी बारिश के कारण बिजली की कटौती शुरू हो गई है, जिस कारण कांग्रेस परेशान है। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शुभ मुहूर्त में आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गुफा मंदिर से आए पंडितों के स्वास्थ्य वाचन मंत्रोच्चार के साथ साध्वी प्रज्ञा ने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद साध्वी कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन के लिए 2 सेट फॉर्म जमा किए। इस दौरान उमाशंकर गुप्ता, भोपाल के मौजूदा सांसद आलोक संजर उनके साथ मौजूद रहे। साध्वी प्रज्ञा की तबीयत खराब होने की वजह से साध्वी प्रज्ञा को ऊपर चढ़ने में परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने कलेक्टर से नामांकन भरने की व्यवस्था नीचे करने की मांग की। इसके बाद साध्वी ने शुभ मुहूर्त के हिसाब से नामांकन फॉर्म जमा किया। साध्वी प्रज्ञा मंगलवार को बाकी 2 सेट भरेंगी, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। वो रोड शो के जरिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी और अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा भाजपा के कई आला नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कल साध्वी को बीजेपी नेताओं ने उन्हें बीजेपी मुख्यालय बुलाया था और उन्हें संयमित बोलने की सलाह दी गई थी। बीजेपी सूत्र बताते हैं कि उनके बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो रहा था, इसीलिए उन्हें हर बात नापतौल के बोलने की सलाह दी गई है। अब रोज बीजेपी नेता उनसे चर्चा करेंगे और किस मसले को उठाना चाहिए और किसे नहीं, ये भी बताएंगे। हमारा विधिवत जो फॉर्म है वो मैं कल भरूंगी विधिवत फॉर्म कल भरूंगी। आज मेरा मुहूर्त का फॉर्म था और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं बिल्कुल आनंद और ठाकुर के ध्यान में रह करके मैं अपना फॉर्म भर के जो हमारा मुहूर्त का था इसलिए वो मैंने पूर्ण किया। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। बड़े लबरा हो बात बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। हंसी खुशियन में जीएसटी लगाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। काले धन के 15 लाख खातों में ना आई रात, झूठी हो गई तुम्हारी बात। लड़का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाकी सरकार, कटो तुमने बंटा धार। अब निवाला किसानन का खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। बड़े लबरा हो बात बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अच्छे दिन के तीर से लेकर जुमलों के हथियार चलेंगे, गली गली के चोर भी भैया खुद को चौकीदार कहेंगे। जनता पर है बढ़ता देखो तरह तरह का शुल्क, अरे जुमलों वाली बातें सारी बिल्कुल है निशुल्क, बिल्कुल है निशुल्क, हाँ बिल्कुल है निशुल्क। माहौल गर्म है चुनाव का, हिसाब लेंगे हर घाव का, लहर के कहर ने घोला था जहर, अब वक्त है बदलाव का। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिवनी में बंडोल थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर 3 कारें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। यह हादसा एक कार का टायर फटने से हुआ। बंडोल पुलिस स्टेशन के पास नेशनल हाईवे 7 पर 3 कारें टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में सिकंदराबाद के देव परिवार के 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। हादसे में 7 लोग भी घायल हो गए, उनमें 1 बच्ची भी शामिल है। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक नागपुर की ओर से आ रही एक कार का अगला टायर फटने के कारण वह फिल्मों की तरह उड़ते हुए दूसरी साइड से निकल रही कार के ऊपर जा गिरी, जिसमें सिवनी से आ रहे लखनादौन निवासी डॉक्टर दंपति सवार थे, जिन्हें गंभीर चोट आई। इसके बाद पीछे से आ रही कार भी उनसे टकरा गई, जिसमें बैठे लोगों को मामूली चोट आई। जिस गाड़ी का टायर फटा था वह आंध्र प्रदेश की है। गांगई स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट में सीआईएसएफ ने अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया। आगजनी के दौरान किस तरह जान माल को बचाया जा सकता है, यह देखकर हर कोई हैरान था। गांगई एनटीपीसी परियोजना में तैनात सीआईएसएफ ने 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया। इस वर्ष अग्निशमन सेवा सप्ताह की थीम आग बुझाने से बेहतर आग की रोकथाम को व्यवहारिक रूप से सबके द्वारा अपनाए जाने की अपील थी। इस दौरान परियोजना के कर्मचारियों व स्थानीय लोगों को आग लगने के कारणों व बचाव के बारे में जागरूक किया गया। सेवा सप्ताह में समापन अवसर पर एनटीपीसी परियोजना प्रमुख गोस्वामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सीआईएसएफ की कार्यप्रणाली की सराहना की। क्विक रिस्पांस यहाँ पर जो हमारा एक्चुअली जो हमारा फायर स्टेशन है वो मेन रूप से हमारा गादरवाड़ा प्लांट के लिए है, जो एनटीपीसी गादरवाड़ा है उसके प्लांट के लिए यहाँ पर स्थापित है। बाकी हमारे जो लोकल है वो गादरवाड़ा में चिचली में फायर स्टेशन अलग अलग फायर स्टेशन है। लोगों को हम उसमें क्लासेज लेवाते हैं, जो हमारे अग्निशमन के लोग हैं उसमें क्लासेज लेते हैं, उनको डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं, डेमो के माध्यम से बताते हैं। हमारे छोटे छोटे इक्विपमेंट रहते हैं, उनको इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया उसको कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, पानी किस ऐसा कौन सा फायर है जिस पर हमको पानी का उपयोग करना है, कौन से फायर पर हमें कुछ दूसरे इक्विपमेंट का उपयोग करना है, तो सारे अलग अलग टाइप के फायरों के हिसाब से किस किस प्रकार के इक्विपमेंट का उपयोग करना है। और साथ ही साथ जैसे कि इस बार का हमारा है कि रोकथाम, जो रोकथाम है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फायर फाइटिंग से बेटर है फायर का रोकथाम करना, इस साल का जो थीम हमारा यही था। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह के दौरान एनटीपीसी परिसर एवं आसपास के गांव के अग्निशमन जागरूकता के संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। एनटीपीसी परियोजना के कर्मचारियों एवं स्कूल बच्चों के साथ साथ जवानों और स्थानीय ग्रामीणों को आग से सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर फायर डेमोन्स्ट्रेशन और अग्नि बचाव की जानकारी प्रदान की गई। सीआईएसएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया, जिसमें आग से बचाव के उपाय एवं विषम स्थितियों में किस तरह से काम किया जाता है इसका प्रदर्शन किया गया। बुंदेलखंड इलाके में चुनाव के मद्देनजर कच्ची शराब का जमकर उत्पाद किया जा रहा है। पुलिस छापेमारी कर इस शराब को जब्त कर इस काम में लगे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते देख वोटरों को प्रभावित करने के लिए अवैध कच्ची शराब का उत्पादन बढ़ गया है। छतरपुर की बमीठा थाना पुलिस ने एक ऐसे ही अवैध शराब बनाने के अड्डे पर छापा मारा, तो वहां 1205 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। पुलिस को ऐसी आशंका है कि यह कच्ची अवैध शराब चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने में इस्तेमाल होनी थी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हम सेन के घर पहुँचे तो वहाँ पर एक अल्टो कार और उसके घर के अंदर से 5 कैने जब्त हुई हैं, जिसमें वो की शराब भरी हुई थी। 2 से 5 लीटर शराब वो की शराब थी, जिसमें शराब 1000 लीटर शराब बनाई जा सकती है। कीमत इसकी जो अभी जब्त हुई है उसकी कीमत तो 30,750 रुपये है, और इससे 1000 लीटर शराब बनाई जा सकती है। एवं तो प्लास्टिक के बोरों में 1199 क्वार्टर जब्त हुए हैं, और प्लास्टिक के ढक्कन जब्त हुए हैं और लगाने के लेबल जब्त हुए हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज़।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। बड़े लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। हंसी खुशियन में, हंसी खुशियन में जीएसटी लगाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। काले धन के 15 लाख खातों में ना आई रा, झूठी हो गई तुम्हारी बात। लड़का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाकी सरकार, कटो तुमने बंटा धार। अब निवाला किसानन का खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। बड़े लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अच्छे दिन के तीर से लेकर जुमलों के हथियार चलेंगे, गली गली के चोर भी भैया खुद को चौकीदार कहेंगे। जनता पर है बढ़ता देखो तरह तरह का शुल्क, अरे जुमलों वाली बातें सारी बिल्कुल है निशुल्क, बिल्कुल है निशुल्क, बिल्कुल है निशुल्क। माहौल गर्म है चुनाव का, हिसाब लेंगे हर घाव का, लहर के कहर ने घोला था जहर, अब वक्त है बदलाव का। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सही दिशा आपकी दशा बदल सकती है, और ये तब हो सकता है जब आपके जीवन में सब कुछ वास्तु अनुरूप हो। मगर क्या है वास्तु और कैसे उपयोग किया जाए, इसका ज्ञान ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। महावास्तु को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला की गई, जिसमें वास्तु के जानकार एकत्र हुए और महावास्तु क्या है इसका ज्ञान अर्जन किया। वास्तु सही हो तो जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पाई जा सकती है, और सही वास्तु जानना एक विज्ञान है, एक कला है, जिसकी शिक्षा प्राप्त होना बेहद जरूरी है। अधिकतर जब समय खराब हो या जीवन में सब कुछ उलट पुलट चल रहा हो तो लोग वास्तु की शरण में जाते हैं। अपने घर और दफ्तर का वास्तु ठीक करके भी लोग जीवन में सम्मान भी पाते हैं और धन भी। महावास्तु वास्तु का ही शुद्धतम रूप है। जिन सवालों के जवाब हमें वास्तु में नहीं मिल पाए थे, क्योंकि कई लोग वास्तु करने के बाद भी सुख समृद्धियों से दूर थे, और वास्तु इंसान इसीलिए कराता है, तब ये महावास्तु बना। हमारे फाउंडर हैं केवी बंसल सर, जिनका के दिल्ली में ऑफिस है, और ये कोर्स उन्हीं के हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हैं। यहाँ पे हम लोग हर सिटीज़ में, कुछ महानगरों में 2 डेज की क्लासेस होती हैं, जो कि महावास्तु ट्रेनर्स आते हैं। हमारे भोपाल में भी आचार्य आशुतोष तिवारी जी आए हुए हैं, और वो अभी 2 दिवसीय क्लास ले रहे हैं। जीवन में सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब है सब कुछ वास्तु अनुरूप है, मगर स्वास्थ्य, मन और जीवन थोड़ा भी डगमगा रहा है तो ज़रूरी है कि आप किसी वास्तु के जानकार से संपर्क करें। अगर आप अस्वस्थ हैं और मन भी ठीक नहीं है तो घर का कुछ सामान या कुछ दिशाएं बदलने भर मात्र से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। महावास्तु वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे कि वास्तु 12,000 साल पुरानी परंपरा है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपार्टमेंट में रहने लग गया है, उसके जीवन में बहुत सारे सामानों का उपयोग हो गया है। आज की जीवन शैली में हम अपार्टमेंट में रहते हुए भी वास्तु की ऊर्जाओं को दक्षता के साथ में इस्तेमाल कर सकें, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन जो है वो महावास्तु कहलाता है। महावास्तु में हमेशा ये अवधारणा प्रचलित है कि समस्या क्या है, समस्या का निदान क्या है, और ये 16 महावास्तु की विधियों के द्वारा ट्रीटमेंट होता है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें डिमोलिशन नहीं है,
यानी बिना तोड़ फोड़ के समस्याओं के उपाय, तो ये महावास्तु है। महावास्तु हमेशा प्रॉब्लम को फोकस करता है, और एक खास मेथोडोलॉजी जिसको हम 4-स्टेप मेथोडोलॉजी कहते हैं, उससे हम उन समस्याओं को उनके मूल कारणों तक पहुंचते हैं और उसके बाद में उसका समाधान देते हैं। महावास्तु आज के जीवन शैली में वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन। किसी भी भवन का जो प्रयोजन है वो है आनंद की प्राप्ति, सुख, सेहत, समृद्धि। अगर उसके जीवन में ये समस्याएं नहीं हैं तो उसके घर में कोई भी चीज़ कहीं भी बनी हो और कैसी भी बनी हो वो वास्तु परफेक्ट है। बट अगर उसके जीवन में इन बातों से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो फिर हम महावास्तु की टेक्निक्स के द्वारा पता करते हैं कि मूल कारण क्या है, और हम 4-स्टेप की मेथोडोलॉजी के द्वारा 16 महावास्तु की जो विधाएं हैं उसमें बिना तोड़ फोड़ के उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। महावास्तु जो है वो हमारी सनातन परंपराएं हैं। इसका प्रामाणिक ग्रंथ अगर हम विश्वकर्मा प्रकाश में देखें तो महावास्तु विश्वकर्मा प्रकाश से जो है वो लिया गया है। ये सांख्य का बेस है, यानी सांख्य की अवधारणा है महावास्तु में। वैशेषिक जो शास्त्र है वहाँ से हमने पदार्थों के गुण लिए हैं। कुल मिला के महावास्तु हमारी सनातनी परंपरा है, और ये परंपरा जो है वो गलत प्रैक्टिसेस की वजह से जो है वो समाज में थोड़ी सी अपना स्थान नहीं बना पाई। महावास्तु उस सनातन परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो भ्रम हैं, जो मिथ्याएं हैं उनको समाज में हटा रहा है, एक बहुत आनंददायी जीवन शैली देने का प्रयास कर रहा है। हम महावास्तु का जो नॉलेज है, महावास्तु के बारे में जो ज्ञान है, उसको हम 2 दिन के अपने टुडे VFC फाउंडेशन कोर्स के द्वारा, या हम हर प्रत्येक गुरुवार को हम 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में लोगों की समस्याओं को निःशुल्क सुनते हैं उसके द्वारा, और फिर पेड कंसल्टेंसीज के द्वारा हम इसका उपचार करते हैं। महावास्तु एक्चुअली क्या है? ऊर्जाएँ हैं। हमारे शरीर में भी ऊर्जाएं हैं, हमारे घर में भी ऊर्जाएं हैं, और ब्रह्मांड में भी ऊर्जाएं हैं। ये ऊर्जाएं अगर संतुलित रहती हैं तो आपके जीवन में आनंद, सेहत, सुख, समृद्धि पैदा होती हैं, और ऊर्जाओं का असंतुलन आपके जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करता है। ठीक है, बात हाथ की रेखाओं की नहीं है, बात ऊर्जाओं के संतुलन की है। ऊर्जा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो विनाशकारी हो जाएगी, ऊर्जा जो है अगर कम रह गई तो किसी चीज़ को जिसको घटित होना है उसको घटित नहीं होने देगी। तो महावास्तु साइंस है, महावास्तु आर्ट भी है, और महावास्तु सनातन परंपराओं का जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान सहेज के रखा था उसको आज के आधुनिक भाषा में, आज के आधुनिक शैली में सब जीवन के जितने भी आयाम हैं उन आयामों में हमारे समाज के लोगों को खुश रखने की एक जीवन शैली। छतरपुर के लवकुश नगर स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ नर्स का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। नर्स अस्पताल में अपना सारा काम छोड़कर सजना है मुझे सजना के लिए गाने पर नाचती हुई नजर आई। छतरपुर के स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स अनीता तिवारी अस्पताल का सारा काम छोड़कर डांस करती हुई नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नर्स सजना है मुझे सजना के लिए गाने पर थिरकती हुई दिख रही हैं। उसका ये वीडियो उसी के साथ की नर्स उषा द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जब इस वीडियो के बारे में CMHO से बात की गई तो उसने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले की जाँच करवा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। कहीं जाइएगा मत, जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको बहरन समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, बहरन समाचार में आपको वेलकम कर रहे हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई कसम से आज तो मेरा दिमाग है ना बहुत ही दुखी हो रहा है, बता रहे हूँ दिमाग। हाँ, ऐसी ऐसी खबरें सुनने को आ रही हैं। 8 ब्लास्ट हो गए श्रीलंका में, बताओ। वहाँ लोग प्रेयर कर रहे थे चर्चों में, इनको उड़ा दिए बम से। और मैं बता नहीं, ये जाहिल बना पता नहीं कब तक चलेगा,
इनको कोई अकल क्यों नहीं दे रहे, ये दूसरे लोगों को उड़ा देते हैं, खुद भी उड़ जाते हैं। ओ मैं इंसान हूँ, इंसानों की तरह रहो, कोई दिमाग लाओ यार, कुछ अच्छे काम करो, इस दुनिया में अच्छे काम करने के लिए भेजा है सबको, है नहीं तो जंगलों में जाओ भाव मारो कटो आपस में, बता रहे हूँ, जानवरों के बीच रहो, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रही है। और ये खबर ये देख लो, ये दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि ये भोपाल को ग्लोबल टाउन बनाएंगे, और मुझे लगता है ग्लोबल टाउन में क्या बिजली रहती है कि नहीं रहती, सड़कों पे गड्ढे रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि पहले इनके शासन काल में तो यही चलता था। और हो सकता है भैया परिक्रमा कर ली इन्होंने, नर्मदा की परिक्रमा कर ली, कुछ चेंज वेंज हो गया हो तो बात अलग है। हाँ मुझे समझ नहीं आता ग्लोबल टाउन होता क्या है। और ये प्रज्ञा भारती देख लो इनको भैया, जब से आई है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रही हैं कॉन्ट्रोवर्सियल। अभी इन्होंने बोला है वो ढांचा मैंने गिराया, ये बुराया, अब मैं कह रहा हूँ अब तो गिराए बनाने की बात करो, पॉजिटिव बातें करो भैया, ये भोपाल के लिए आप क्या करोगी, लोग यही पूछ रहे हैं मेरे से। हाँ तो पॉजिटिव बातें करना चाहिए, इन बातों में कुछ रखा नहीं है, बता रही हूँ। भाई साधु संत आप अच्छी बात है, साधु हैं, लेकिन चुनाव में आ गए, अब इलेक्शन हो में आ गए, आप कूद पड़े पॉलिटिशियन हो गए, तो थोड़ा डिप्लोमेसी सीखना पड़ेगी, बता रही हूँ। हाँ डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, ये स्वच्छंद मन नहीं चलेगा। हाँ और यह खबर ये देख लो, मोदी जी कल कह रहे थे कि वो अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो कत्ल की रात हो जाती, और मैं बता रही हूँ वो तो हमें भी पता है, इसलिए तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, लेकिन ये सब बातें हैं ना बंद करो। और मैं कह रहा हूँ आप कुछ अच्छी बातें करो, ये बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे सुरेश महेश गणेश और असलम भाई वगैरह सब, ये PhD की डिग्रियाँ ले लिए घूम रहे हैं, इनको कुछ रोजगार वगैरह दिलवाओ, उसकी बातें करो, वो अच्छी बात है। हाँ पॉजिटिव बता रही हूँ, तब तो और जोश बढ़ेगा हमारा। हाँ और ये खबर ये देख लो, ये प्रियंका जी आ गई हैं, अब ये कह रही है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और सबसे कमजोर सरकार है इनकी। मैं बता रही हूँ लोगों को उम्मीद है कि आप आई हैं तो कुछ अच्छी बातें करोगी, आपने वही शुरू कर दिया, छिचाली दारी एक दूसरे की। और मैं कह रहा हूँ कुछ अच्छा विजन लाओ कि हमारा विजन ये है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तब तो कुछ है जनता में, तभी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ और आजकल मैं बता रहा हूँ नेता है ना भिड़भड़ाए घूम रहे हैं, कोई पंडितों के पास जा रहा है कुंडलियाँ वगैरह ले लेके अपनी जन्म कुंडलियाँ दिखा रहे हैं कि हमारा क्या होगा ये होगा। कल एक मेरे पास आ गया, हाथ दिखा रहा था मेरे को, मैंने उसका हाथ देखा तो मैंने भैया तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, इसमें भ्रष्टाचार की लाइन है, हाँ तुम्हारा तो मंत्री बनना तय है, बता रहे हूँ ऐसा तो चल गया है। और मैं भी जा रहा हूँ भैया अपना भाग भाग दिखाने के लिए पंडित जी को, है ना, नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।